सिंध के बिन वन यूनिवर्सिटीज जहा वीसी भी नैब के रेडार से अची वाया। नैब एक्जीक्यूटिव बोर्ड सिंध यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर सिद्दीक कलड़ो और महरान यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर असलम अकेली खिलाफ जांच की मंजूरी दे छी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन नूर मोहम्मद जादमानी, कमीशन के मेंबर एजाज अली दुरानी और बेन खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी। नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अजलास में अगुणे सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन गुलाम मुस्तफ़ा पुल खिलाफ रेफरेंस और जांच की मंजूरी दिनी वही। स्टील मिल्स के अगुणे चेयरमैन मुइन आफ्ताब खिलाफ सप्लीमेंट्री रेफरेंस दाखिल करने की मंजूरी। अगुणे डायरेक्टर स्कूल्स कराची अब्दुल वहाब अब्बासी, अगुणे चीफ कमिश्नर हैदराबाद मोहम्मद अली सांत, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कराची के अगुणे अमलदार गुल मोहम्मद जाकरानी आई मुमताज़ रहमान खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दिनी वही। सिंध हाईकोर्ट हैदराबाद सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो बिन महीनन लाए समूरो कार व्यवहार मुअत्तल करण जो हुक्म दे छो। अदालत कमीशन के चेयरमैन की मुआफ़ी कबूल करे वरती। सेक्रेटरी की मुअत्तली वारो हुक्म बरकरार। केस की बुधनी दौरान सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो चेयरमैन नूर मोहम्मद जादमानी, सेक्रेटरी अताउल्ला शाह ए बया पेश थे। अदालत रिमार्क्स न तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के बार बार हिदायत कई तो मुलाजमत लाए इंटरव्यू दींदड़ पास तौड़े फेल उम्मीदवार जो मार्क्स लिखी वन पर अमल न थो। कमीशन सरबराह चो तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के रूल्स तहत इंटरव्यू वठूँ था। अदालत चेयरमैन का एक उम्मीदवार जो मार्कू पुछू कमीशन चेयरमैन तौड़े अमलदार जवाब न दे सकया। अदालत बिन महीन लाए सिंध सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यूज तौड़े मुकररन से पाबंदी लगा छी। जोही आई दादू की ट्रेजरी ए बन खातन के अमलदार बैंक इंसामिया से मिली भगत कर 132 जाली अकाउंट्स में पेंशन के नाले ते किरोड़े रुपया मोकले फ्रॉड कयो। सिंध के वड़े वजीर मुराद अली शाह जो सिंध असेंबली में एतराफ़। वड़े वजीर चयो तो एंटी करप्शन जालसाजी में मुलविस अमलदार खिलाफ़ जांच शुरू कर छड़ी है। नैब के भी जांच जो चयो अथऊँ कोशिश है तो सिंध में ऑडिट जनरल के निज़ाम में जिन छदाई वे। वफाकी गृह वजीर शेख रशीद क्वेटा धमाके के आपघाती करार दींदे है तो होटल की पार्किंग से थियल धमाके दौरान आपघाती बमबार गाड़ी में वेठल हो। धमाके में 60 का 80 किलो धमाकेदार मादो इस्तेमाल थो। परडे में पाकिस्तान के गैर मुस्तहकम करण की साजिश थी रही है। साजिश में मुलविस अंसर पाकिस्तान की तरक्की नथा ॾिसी सघन। क्वेटा के सरेना चौक से गुजरियल ॾींहुं थियल आपघाती हमले में 5 जणा मारिजी विया हुआ। धमाके जो केस सीटीडी थाने से दाखिल। वज़ीर आज़म तरफा घरू खाते के धमाके की हर रुख में जांच कर मामले की तह ताई पहुंचने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान है तो कौम दहशतगर्दी के शिकस्त देने लाए वड़ी कुर्बानी दिनों हैं। दहशतगर्दी की लहर के बीहर उभरण न दींदा। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर वरती। लाहौर हाई कोर्ट टे रुकनी बेंच शहबाज शरीफ की जमानत वाली दरख्वास्त इतफाक राय से फैसलो जारी कयो। नवाज लीग के नायब सदर मरियम नवाज है तो 10 साल का इंसाफ लाए जदोजहद कंदड़ के नेट इंसाफ मिली वो। शहबाज शरीफ के रुगो नवाज शरीफ से वफा करण के डोह में गिरफ्तार किया वो। कूड़न केसिस से खिदमत जहाँ निशान मिटाए ना सकजन। शहबाज शरीफ जो मुकाबलो करो है तो आवाम की खिदमत कर दिखार। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फैज ईसा नजरसानी केस की बुधनी। जस्टिस मुनीब अख्तर तरफा एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलील जारी रखने की हिदायत। जस्टिस मकबूल बाकर रिमार्क्स ना तो यह कड़ी गाल है जो सीनियर्स जो एतराम ही ना है। 50 भेरा चई चुको आया तो केस जल्द खत्म करो। बी धुर के भी वक्त घट होने बाबत आगाह किया है। जस्टिस सजाद अली शाह चो तो वकील आमिर रहमान लाए वक्त मुकर्र करो या केस दलील पूरा कर दियो। हर हर वकील के टोकींदा रहो तो आऊँ उथी हलो वस। जस्टिस मकबूल बाकिर उथी हलो वो। जस्टिस काजी फायज तरफा गालण की कोशिश से जस्टिस मंजूर मलिक चो तो काजी साहब तवी मेहरबानी वेही रहो हर हर कार्रवाई में मुदाखलत न करो। अदालत केस की बुधनी सुभाने ताई मुलतवी कर छी।
जैसे मथा अचे थी तो टीएलपी से गाड़ियों लाइ पहुंची वन था पर हिरासती मरकजन बाबत बार बार रिपोर्ट्स तलब कर रहा हूं पर कंजे कंधे जूम नी सुरे सिंध हाईकोर्ट जहाँ गुम थियल शहर बाबत केस में रिमार्क्स अदालत हिरासती मरकजन बाबत रिपोर्ट पेश न करने ते वफाकी हुकूमत मथा सख्त कावड़ जो इजहार करे घरू सेक्रेटरी के बीहर शोकास नोटिस जारी कर 27 अप्रैल से जाती हैसियत में पेश थियण जो हुक्म जस्टिस के आखा रिमार्क्स ना तो सजे मुल्क में मौजूद हिरासती मरकजन तोड़े उतें कैद चेहरे जहाँ तफसील पेश क्या वन अदालत असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल का सवाल किया तो खैबर पख्तूनख्वा में केतरा हिरासती मरकज आन असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल बुधा तो केपी में 8 हिरासती मरकज आन जी सूबाई हुकूमत के मातहत हैं मैं इसलिए इनको आप करता हूँ इनका कोई मुझसे वास्ता नहीं है क्योंकि जब वो मेरे जान के दुश्मन बन गए न कोई कंप्रोमाइज़ हुआ न कोई बात हुई क्योंकि ये ऐसी किस्म की बात रोज़ रोज़ में नहीं होती है होना तो ये चाहिए था कि ये कोशिश करते कि अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करते लेकिन उन्होंने नहीं किया न कोई माफ़ी मांगी न कुछ और की मुझे ख्याल आया कि ये रमज़ान का महीना है बरकत वाला महीना है और ये ख़ास तौर पर ये जो अशरा है ये रहमत का अशरा है तो इन्होंने ये तो नहीं किया और फिर जो अभी नई उन्होंने चीज़ें शुरू की कि उन्होंने केस फाइल करना शुरू कर दिया इससे पहले भी हुकूमत सिंध ने मेरे सेफ्टी के अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं जिनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी वाइफ और मेरे बेटे के कत्ल होने का खतरा कंटिन्यू करा है। रमज़ान के भलारे महीने में वालदैन के परचायो वेंदो आहे मुझे पुत्र अली हैदर वरी असां ते केस दाखिल कराए छो सिंध के अगूणे वे वजीर गौस अली शाह वरी जाल की औलाद से ठा की तरदीद कर छी ठा वाली गालू अफवाह करार कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान गौस अली शाह है तो वरी जाल के पुट मुख्य नंढी जाल नंढे पुट के कत्ल कर मनसूबो जोड़ो हो वरी जाल के पुटन धीरन पोटन डोहटन से लातालुकी जाहिर कर चुको आया पुटन खिलाफ कत्ल जो एक केस दाखिल किया पुटन वरी मुते टे केस दाखिल कराए छा मुख्य नंढी जाल नंढे पुट के कत्ल जो खदशो है सिंध सरकार तरफा मिलल सिक्योरिटी में मुतमइन है। पीटीआई अगवान जहांगीर तरीन तरफा 40 मेंबर की हिमायत हासिल होजन की दावा जहांगीर तरीन एक भेरों बीहर हुकूमती कमेटी से मुलाकात का इनकार कर असो ग्रुप रुगो वजीर आजम से मुलाकात कद कुछ दोस्त वजीर आजम से मुलाकात की खातरी कराई है इस्लामाबाद में थदियों हवाओं घुलियों तो इत्मिनान थो इमरान खान से रिश्तों कमजोर ना थो लाहौर की अदालत में पेशी बाद मीडिया से ालदे जहांगीर तरीन तो केस में को भी फरियादी शेयर होल्डर्स ना सब मुँह में खुश हैं हथियो कि FIR में FIA के हवाले से का भी गाल शामिल ना सिविल केस के फौजदारी केस में मुंतकिल किया वो नवाज लीग भी न किया हो अगूड़े वजीर आजम शाहिद काकान अब्बासी तरफा जूतो हणन वाली गाल स्पीकर का माफ़ी वठण का इनकार शाहिद काकान अब्बासी है तो आउरगो एक जात का माफ़ी वठंदो आया स्पीकर या बे कें का माफ़ी न वठंदस सारी दुनिया में कोरोना ते कंट्रोल थो हुकूमत की पॉलिसी नाकाम थी है जो मुल्क में कोरोना के केसिस वधन पाया वो वक्त परे ना जो पाकिस्तानन के कें बे मुल्क में सफर करण का भी रोको वो वफाकी वजीर फवाद चौधरी शाहिद काका नबासी ते तनकीद कंदे चयो त दुनिया में कोरोना ते कंट्रोल वाले बयान में जाहिर थे तो नवाज लीग इखलाकी दीवाल पणे जो शिकार है खेन वडा कूड़ गालण जो एजाज़ हासिल है पानामा का कोरोना ताई कूड़ गालण में नवाज लीग के फन जो को भी मट ना है। टंडोल हयात पुलिस हथा मैनपुरी हथ अचण वाले केस में गिरफ्तार नौजवान जो लॉकअप में फाहो दिनल लाश हथ वारसन जो कीरिया शाख वट लाश रखी धरण ए सेक्शन थाने की पुलिस जांच का अग ही वाके के आपघात करार दी छो पुलिस जो चवण है तो जवाबदार बाबर खानजादा लॉकअप में रखल बिस्तरे में फाहो ठाए आपघात किया नौजवान के वारसन पुलिस की दावा रद्द कदे है तो ए सेक्शन थाने की पुलिस नौजवान के कत्ल करण बाद आपघात जो रंग दियण की कोशिश कई है बुधाए वे तो लॉकअप में रसो कि आयो आपघात वक्त थाने के मौजूद पुलिस अहलकार किथे हुआ बाबर खानजादे के वारसन तरफा वाके की शफाफ आई अणधुरी जांच कराए जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो SSP टंडोल हयात रुखसार खुआवट मामले के मौकफ़ दियण का इनकार कर छो
शिकारपुर की अदालत मासूम बारड़े अयान अली के खुलल गटर में फौत वाले वाक़े जो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर खिलाफ केस दाखिल करने जो हुक्म दी छो। अदालत स्टोरगंज थाने के SHO के हुक्म दिनों है तो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर खिलाफ़ FIR दाखिल कर बारड़े के वालिद जो बयान रिकॉर्ड किया वे। 17 ढी अग थारूपुर वाले इलाके में बालिक अयान जलबाणी गटर में किरी तड़पी तड़पी फौत थो हो। वाक़े जो सेशन जज मुश्ताक अहमद कलवड़ नोटिस वरतो हो। लाडकानी की अदालत नारी आरती उर्फ आयशा के मुड़स फवाद से गड रहने की इजाज़त दई छी। पुलिस आरती उर्फ आयशा के दारुल अमान में अदालत पे पेश कयो। नारी मुड़स के हक में बयान दिनों। अदालत खेस मुड़स से रहने की इजाज़त दई छी। नारी आरती उर्फ आयशा कराची वासी मोहम्मद फवाद से पसंद की शादी कई हुई। नारी के वारसन अगवा जो केस दाखिल कराया हो। खैरपुर खौफनाक रोड हादसे जो बस ड्राइवर खिलाफ़ केस दाखिल। कोडीची थाने ते दाखिल केस में जाना वो है तो बस ड्राइवर की गफलत सबब हादसों पेश आयो। खौफनाक हादसे में औरतों में बारन समेत 12 जना फौत 15 जख्मी थिया हुआ। बस ड्राइवर की गिरफ्तारी बाद SSP खैरपुर अमीर सऊद मक्सी और कोडीची थाने के वे मुंशी इमाम बख्श बुर्ती के बयान में तजाद। SSP खैरपुर गुजरल टाइम न्यूज से गालंदे बस ड्राइवर के गिरफ्तार करने की तस्दीक कई हुई। कोडीची थाने के वे मुंशी इमाम बख्श बुर्ती जो चवण है तो हादसे बाद कोच ड्राइवर फरार थी वायो। आई कंबर पुलिस के मुबैना तशद्द में मदेजी वासी पोहरियत मारजी वायो। वारसन जो लाडकानो रोड ते लाश रखी धरनो। मुतासिर धुर जो चवण है त शाहल मोहम्मद चौकी के अहलकारन रिश्वत न ॾियण ता नौजवान मथा तशद्द कयो जैं सबब हू फौत थी वायो। SSP जे नोटिस बाद बिन अहलकारन शबीर सोलंकी जाहिद रिंद खिलाफ केस दाखिल कयो वियो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां हां शाहिद सियाल हेडलाइंस।